रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। उन्होंने अपने बेमिसाल कार्यों, सादगी, ईमानदारी के साथ साथ ही देश और समाज के लिए किए गए अपने योगदानों की वजह से भारतीयों के दिलों में राज करते रहे हैं। हालांकि अब उनके निधन के बाद लोग उन्हें याद कर भावुक हो जा रहे हैं। बीते 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन और कल उनके अंतिम संस्कार के बाद से ही एक शख्स की खूब चर्चा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त कहे जाने वाले शांतनु नायडू के बारे में। जब कल उनसे रतन टाटा के निधन पर सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दरअसल शांतनु नायडू को रतन टाटा के करीबी मित्र और सहायक के रूप में जाना जाता है। शांतनु नायडू एक सोशल एक्टिविस्ट, पशु प्रेमी, लेखक और युवा उद्यमी के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बता दें कि शांतनु नायडू का जन्म साल 1993 में पुणे में हुआ था। 31 साल के उम्र में ही शांतनु नायडू ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दरअसल शांतनु नायडू ने अपने पशु प्रेम की वजह से सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद के लिए एक संस्था बनाई थी, जिसके जरिए उन्होंने कुत्तों के लिए विशेष डेनिम कॉलर बनाए थे जिन पर रिफ्लेक्टर लगे होते थे। इसी दौरान शांतनु की एक पोस्ट पढ़ने के बाद रतन टाटा ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इस वक्त शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम करते हैं। रतन टाटा ने खुद उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कहा था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए टिप्स भी दिया करते थे। बता दें कि शांतनु नौकरी के अलावा गुड फेलोज नाम की कंपनी के ऑनर भी हैं। शांतनु नायडू की इस कंपनी की नेटवर्थ करीब 5 करोड़ रुपए है। बता दें कि रतन टाटा की शख्सियत ही ऐसी थी कि हर कोई उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। मेरा सबसे पहली मेरी कंपनी जहाँ पे मैंने काम किया था, एडवर्स टाटा, TCS में काम किया है मैंने। एंड मैंने TCS में टाटा ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जाना था, समझा था, और अपने जो भी मेरा प्रोफेशन था उसके थ्रू मैंने खुद को इस तरह से चेंज किया, अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश की। तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ, ऑब्वियसली टाटा को मैं सबसे पहले एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखता हूँ, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आई एम हेयर राइट नाउ। एंड रतन टाटा इज ऑब्वियसली अ हीरो ऑफ दिस नेशन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिया के लिए। तो मेरा सबसे इमोशनल कह लीजिए या फिर आप एक प्रोफेशनल मैसेज कह लीजिए, बट इट वुड बी लाइक हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, उनके पास कोई कमी नहीं थी, बट स्टिल ही फेवर्ड हिज नेशन फर्स्ट। सो वी ऑल पीपल शुड लर्न certain things from him, and obviously हम उनके लेवल तक तो पहुंच नहीं सकते, बट yes, we can do, इतना सा भी कर लोगे तो बूंद बूंद से सागर बन जाएगा, एंड वी विल बी वन ऑफ द पीपल जिससे इस देश में कुछ तो चेंज आ सकता है। मैं तो वर्ल्ड पीरियड डे के दिन ही यात्रा की शुरुआत किया था 28 मई को टाटा सर से मिलने के लिए। 4 महीने बाद मैं बॉम्बे पहुंचा और मेल किया था सर को, तो टीम की तरफ से बात हुई थी हमारी, कहा गया सर की तबीयत अभी सही नहीं है, आप फिलहाल अभी वेट करो। तो मैंने पूछा कितना दिन, तो बोला अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप वेट करो। मैं वेट ही कर रहा था, अचानक रात में ये मैसेज मुझे मिला, शॉक हो गया। कौन सी चीज को लेकर इंस्पायर होते हैं ये दूरी तुमने कही थी कि मिलने? हाँ, देखिए सर तो समाज के लिए, देश के लिए हमेशा तत्पर रहते थे कार्य को लेके। देखिए सर के बहुत सारे थॉट्स थे, मुझे लगता है क्या कि उस पर अमल करनी चाहिए सभी को। आजकल सब लोग गाड़ी बंगला हर चीज के लिए भागते हैं, पैसों के लिए, लेकिन सर से सीखना चाहिए ये क्या कि अपने बिजनेस के साथ साथ देश के लिए क्या काम करते हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए कुछ ना करें, अपने आसपास की चीज़ों को देखे समझे, उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो बस यही चीज़ें हैं क्या कि सर का जो मोटिवेशन है, तो मैं उसको हमेशा अपने लाइफ में अमल करूँगा और आगे भी। जैसे मैं 5,000 की हेल्प करता था और मेरे से जितना होगा आगे मैं और आगे करूंगा, आगे भी मैं बात करके देखूंगा कि, लेकिन मेन मोटिवेशन था, एक ख्वाहिश थी कि सर से एक बार लाइफ में मिलूं, अपने मैसेज के बारे में बताऊं। सर के जो मैनेजर थे शांतनु जी, उन्होंने भी एक डॉग को लेकर सर को लेटर लिखा था, और फिर उसके बाद सर से जुड़े और काफ़ी लंबे समय तक सर के फेवरेट भी बन गए। तो मेरा ये संदेश था कि सर तक अगर मैं अपनी बातों को पहुंचा सकूं, तो सर इस विषय को लेकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं इस चीज को आगे जरूर बढ़ाऊंगा। रतन टाटा अपनी सादगी और अपने व्यवहार की वजह से भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। लोग उनके निधन को देश के लिए एक बड़ी क्षति बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे, तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसका जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? किरीट सूरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बढ़िया आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए मैं उनको नहीं जानता हूँ ना वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए बस। तो आप काम से समय निकाल कर आ पाए? हाँ, मैं मेरा आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग, और उसके जैसा जो भी जो कैलिबर का जो एक लीडर था वो, और नॉट ओनली दैट वो सब जो भी एंटरप्रेनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोग ने टाटा से सीखना चाहिए कि कैसे देश के लिए जो भी संपत्ति है, देश के लिए जो पैसा है वो यूज होना चाहिए। वो एक बड़ा ग्रेट एक आइकन है वो, मैं ये मानता हूँ उसके बारे में। सर आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, मैं काफी देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय है। आप यही मुंबई से हैं? मुंबई से हूँ, मैं टाटा ग्रुप एम्प्लॉई हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा देश जैसे उनके लिए एक समान था, खासतौर पे टाटा ग्रुप्स के जो लोग थे उन्हें वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, हर मुश्किल जो भी कोई घड़ी होती थी हमेशा उनका साथ देते थे, तो आपको इस समय ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे याद आ रही है उनके जाने के बाद? मेंटर थे बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए, इंस्पिरेशन थे, और ही इज द आइकन फॉर एवरी जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर द यूथ। तो थोड़ा वही बुरा लग रहा है, हमेशा दो लोगों से मैं मिलना चाहता था अपनी लाइफ में, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी से। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से तो नहीं मिल पाया, रतन टाटा जी से मिलने का चांस नहीं मिला, बट इस आज उनकी ब्लेसिंग्स तो लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके का माहौल आपको लगता है कि पूरे जो टाटा ग्रुप्स है उसमें होगा, क्योंकि जब ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बातें सामने आ रही थी, तभी आप लोगों को चिंता इस बात की थी कि उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता था? No, he was aging. I think he was 86. My father also died just few months before. So, ये तो एक जर्नी है, कंप्लीट करनी होती है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस सिचुएशन में आके उनसे उनको देखने का मौका मिला, बट उनकी ब्लेसिंग्स तो हम लेके जा रहे हैं। किस तरीके से सर हेल्प करते थे, क्योंकि रतन टाटा हमेशा जो है कहते थे डाउन टू अर्थ रहते थे, उन्होंने अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो रही लेकिन अपने पास कभी कुछ नहीं रखा, आम जनता के लिए देश के लिए हमेशा से उन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया, आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली उसके रतन टाटा वाज माय इंस्पिरेशन, दैट्स द रीजन मैंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था, और कई सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ, और सिंपलिसिटी इज द वन थिंग विच आई थिंक एवरी वन एडमायर्स। सबसे ज्यादा सिंपली, इतना पैसा होके भी आई थिंक आज अगर मार्केट कैप देखेंगे तो टाटा ग्रुप कंपनीज का 33 लाख करोड़ है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट इतनी सिंपलिसिटी थी वो हम मिस करेंगे फॉर श्योर।